ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द एंड ऑफ वीडियो। तो आज कोई भी गेम प्ले नहीं होने वाला है। तो क्या आप लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हो? हाँ। क्या कोई बोर को दूर करने के लिए कोई गेम सोच रहे हो जो कि एक ऑफलाइन गेम हो? हाँ। या तो क्या आप लोग अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोग कोई ऐसा गेम सोच रहे हो कि जो कि 100 या 200 MB से कम हो, क्योंकि आपके मोबाइल में जगह नहीं है? अरे हाँ भाई हाँ। तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज इन तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 ऑफलाइन गेम्स अंडर 100 MB, जो कि आपकी बोरियत तो दूर करेंगे ही करेंगे। उसके साथ ही साथ जो आप लोग सोच रहे हैं कि आपके में आपको एक ऑफलाइन गेम चाहिए क्योंकि आपके पास नेट की कमी बहुत है, आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम नेट बचा है और आपके में स्टोरेज भी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग कोई छोटा मोटा गेम सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज के जो टॉप 5 गेम्स है उसे मैं चुन चुन के लाया हूँ, जिसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम है और एक ऑफलाइन गेम है, साथ ही में बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम भी है। तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग का जो आज पहला गेम है, जो पहले नंबर पे गेम आता है, उसका नाम है वेक्टर, जिसकी जो साइज़ है वो 88 MB है, एंड इसके दो पार्ट आ चुके हैं, वेक्टर और वेक्टर 2। तो मैं इसमें वेक्टर का डाल रहा हूँ, वेक्टर मुझे क्योंकि ज़्यादा पसंद है। और इसमें देख ही सकते हो कि जब आप लोग इसे ओपन करते होंगे तो कुछ इस तरीके का आता है। आपको प्ले में जाना है, क्लासिंग में जाना है, अभी हंटर अनलॉक रहेगा, आपका लॉक रहेगा, मतलब कि इसमें भी सेलेक्ट लोकेशन करने का रहता है। तो अभी सबसे पहले डाउनटाउन ही खुला रहेगा, उसमें जाओगे तो उसमें भी बहुत सारे लेवल्स आएंगे, स्टोरी आएंगी, तो उसमें जाओगे तो फिर आपको कुछ ट्रिक्स दी जाएंगी कि कैसे आप लोग कर सकती हैं। एंड तो बेसिकली इस गेम में होता क्या है कि जैसा कि देख सकते हो, ये एक शैडो है जो कि होता है, आपको फर्स्ट लेवल पे सिखाया जाता है कि आपको कैसे खेलना है, क्या क्या करना है। इसमें आपको ऑब्स्टेकल्स पार करने रहते हैं, एंड ये जो आपके पीछे ये जो दिख रहा है ना, उसे आगे नहीं आने देना है, वरना कुछ ये होगा। एंड गाइस, इसमें नीचे नीचे करते रहना, अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या होगा, थोड़ा सबर करो, जरा रुको, जरा सबर करो। इस तरीके से देख सकते हो, अगर आप लोग उसे आगे जाने दिए तो कुछ ये मुझे ना। अच्छा, हमको सिखा रहा है। एंड गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है, तो एक बार डाउनलोड करके जरूर से देखना। वैसे मैं जानता हूँ ये गेम बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है, पॉपुलर गेम है, एंड इसकी लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वरना ये प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे कमेंट करके बताना कि ये गेम कैसा है। तो गाइस, आज का जो हम लोग का दूसरा गेम है उसका नाम है स्मैश इट, एंड इसकी जो साइज़ है वो है 53 से 55 MB के बीच में, एंड ये एक ऑफलाइन गेम है और मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये बहुत ही एक मस्त गेम है, इसका ये जो गेम है उसका बोल सकते हैं कि आपको निशाना लगाना एकदम सही आना चाहिए, तभी ये गेम अच्छे से हो पाएगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है। मैं इस गेम को बता नहीं पाऊंगा कि कैसे खेलना है, लेकिन अगर आप लोग इसका गेम प्ले देखेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो इसमें एक क्लासिक है जिसमें कि सब कुछ खरीदने का रहता है, तो वो कुछ काम करनी है आपको, बस स्टार्ट में जाना है, एंड इसमें बहुत सारी बॉल्स रहती हैं, जिसमें अगर आप ये ब्लू वाले में मारेंगे जो कि एक कांच रहता है, तो आपको हर में 3-3 बॉल मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग आगे बढ़ने के लिए जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसमें मारेंगे तो आपकी एक एक बॉल कम होंगी, और उसी से लेकर, और अगर इससे आप लोग नहीं मारे तो आपकी बॉल बढ़ेगी नहीं, सिर्फ कम होती जाएगी, जिससे कि आप लोग आउट होंगे। और इसमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि ये एक मतलब कि कंटिन्यू गेम है, मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बस जब आपकी बॉल ख़त्म होगी तभी ये गेम ख़त्म हो सकता है, वरना ये आप लोग कभी कितने भी देर तक खेल सकते हैं। तो ये बहुत ही सही में बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है, जैसा देख ही सकते हो कि 65 बॉल हो गई है, और इसमें बहुत सारी बॉल्स भी आती है कलेक्ट करने के लिए, अलग अलग टाइप्स की, ग्रीन ब्लू टाइमर्स इसमें आता है, जब आपकी बॉल ख़त्म हो जाए तो क्या करें। तो ये बहुत ही सही गेम है, डाउनलोड करके बताना कि ये गेम कैसा लगा, और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है, मैं इससे 5-6 साल हो गया है मुझे इसे खेले हुए, तो मैं बोला बहुत ही सही गेम है। वैसे आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि गेम कैसा लगा, इस गेम के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वरना ये प्ले स्टोर पर इजिली अवेलेबल हो जाएगा आपको, तो जल्दी से डाउनलोड करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि ये गेम कैसा लगा।
सो गाइस, आज का जो हम लोग का तीसरा नंबर पर गेम है उसका नाम है जोम्बी रोडकिल 3D। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, इसके इसे 1 मिलियन रिव्यूज़ मिले हैं, प्लस इसमें 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना मस्त गेम है, कि इतने मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी हैं इसके। और जो इसकी साइज़ है वो ज़्यादा नहीं है, बस 20 MB है, जो कि एक ऑफलाइन गेम है। और ये एक एक्शन गेम है जिसमें कि आप लोगों को जोम्बी को मारना रहता है। ये बहुत ही सही गेम है, मैं इसे 5 से 6 साल हो गया इसे खेलते हुए, और ये बहुत ही ज़्यादा सही गेम है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आप सबको गेम प्ले इसका दिखाता हूँ। सो गाइस, जब हम लोग जोम्बी रोडकिल को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का आप लोगों के पास इंटरफेस आएगा, जिसमें कि ये स्टोरी मोड है, एंडलेस मोड है, मोर गेम्स है, और इसमें सेटिंग्स में ज़्यादा कुछ नहीं, बस साउंड इन सबको बढ़ाने का रहता है। और जो एंडलेस मोड है वो जब आप लोग 10 लेवल पार कर लोगे, तो 10 मिशन पार कर लोगे तब वो खुलेगा। और जैसा इसमें देख ही रहे होगे कि लेवल 1 में 10 मिशन हम लोग को मिल रहे हैं, और इसमें भी 2 मोड का मिशन है। अभी मैं जैसा कि आपको दिखाता हूँ। और गाइस, यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तब आप लोग यहाँ पे मशीन गन, हैवी वेपन भी, व्हीकल्स बहुत कुछ खरीद भी सकते हैं। ये आपके पास क्वाइंस रहेंगे, उससे आप लोग ये खरीद सकते हैं, जिससे कि जॉम्बी को मारने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अब इसका जो पहला मोड आता है, मिशन के अंदर भी 2 मोड है, यहाँ पे सब मिशन लिख के आएंगे, उसे कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें भी 2-3 वेव्स रहते हैं, और इधर उधर से जॉम्बी आएंगे, जिससे कि आप लोगों को मारना है कुछ इस तरीके से। और इसमें वो रॉकेट लॉन्चर भी रहता है, जिससे कि आसानी से बहुत ज़्यादा लोग मर जाएंगे। और ये अनलिमिटेड एमओ रहती है गन की, और रॉकेट लॉन्चर की कुछ लिमिटेड ही एमओ रहती है। और आप लोगों को कुछ इस तरीके से मारना है, जिसमें कि आपको कॉइन्स मिलेंगे, और उससे आप लोग नई नई वेपन्स खरीद सकते हैं। और ये सही में बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है। और जैसे जैसे आप लोगों का लेवल आगे होता जाएगा, वैसे वैसे डिफ़िकल्टीज आती जाएगी, और उसमें ज़्यादा मज़ा भी आएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा मोड। सो गाइस, दूसरा मोड कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें कि मिशंस आएंगे लिखने के, वो सब मिशंस कंप्लीट करना है। और इसमें शुरू में 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि आपको बताना है कि आप लोग हाथ से चलाना चाहते हैं कि ऐसी स्क्रीन से। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है कि जॉम्बी को मारना रहता है, जो भी रोड में रहते हैं उसे कार से, और फायर का यहाँ पर बटन आता है, जिससे कि आप लोग और मदद मिलती है उन्हें मारने में। और इसमें साइड में बहुत सारे जॉम्बीज खड़े रहते हैं, जो कि आपके कार में आके चिपक जाते हैं कुछ इस तरीके से, उसे आप लोगों को कार के साइड से छुड़ाना रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा तो ये फेवरेट मोड है इस वाले में, क्योंकि मुझे कार चलाने में ऐसे ही मज़ा आता है, तो और ये कार वाला तो और मज़ा आता है। तो अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये किस तरीके का गेम है। सो गाइज, अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये गेम कैसा लगा, और आप लोग इसे डाउनलोड कर रहे हो कि नहीं। वैसे मैंने इस गेम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी कर सकते हो, वरना आपको ये गेम इजीली आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और गाइस, नीचे कमेंट करके बताना कि ये गेम कैसा लगा। तो अब चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी गेम की तरफ। तो गाइस, जो हम लोग का चौथा गेम है उसका नाम है एक्सट्रीम बैलेंसर 3 है, एंड इसके 2 पार्ट आ चुके हैं पहले ही, 1 और 2, लेकिन मैं इसे डाल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद है। एंड इसकी जो साइज़ है वो शायद 55 MB है, इसी लगभग है, 50 से 55 MB के बीच में ही है। और ये एक बॉल वाला गेम है, जिसमें कि आप लोगों को बैलेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इसका नाम बैलेंसर पड़ा है, एक्सट्रीम बैलेंसर। इसमें बॉल को आप लोगों को एकदम बैलेंस करके रखना रहता है, और उससे आप उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना रहता है। तो इसमें कुछ इस तरीके का आता है, जिसमें आपको पहले ट्यूटोरियल दिया जाएगा इस गेम में, ये देखा आगे बढ़ने का, ये पीछे का, ये इधर उधर का है, पहले ट्यूटोरियल देखा जाएगा कि कैसे आपको इसे बैलेंस करना है। तो ये एक बैलेंसिंग वाला गेम है, जिसमें कि आपको बॉल को बैलेंस करना रहता है, और अगर नहीं किए तो फिर से खेलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा मस्त है, ऑफलाइन गेम है, और मैं भी इसे खेलता हूँ, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आज जितने भी मैंने गेम्स लाए हैं, वो सब मैं जो खेलता हूँ वही गेम है, ऐसा कोई सा गेम नहीं है जो कि मैं नहीं खेलता हूँ। तो गाइज, नीचे कमेंट करके बताना कि ये गेम कैसा लगा। वैसे ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, एक बार डाउनलोड करना, फिर नीचे कमेंट करके बताना। सो डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से डाउनलोड करो। सो गाइज, आज का जो हम लोग का 5th एंड लास्ट गेम है उसका नाम है किलर बीन। एंड ये जो गेम है, ये मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, जिसका चैनल है, उसका भी एक चैनल है जिसका नाम दी ब्लैक टॉटम गेमर है, तो जाके एक बार उसे भी चेकआउट कर लेना। ये गेम को मैंने अभी तक खेला नहीं है, मतलब कि ये गेम मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया है, जिसमें कि 3 लेवल्स होते हैं, स्टोरी, मेगा एंड पिक्सल, और 2 अभी कमिंग सून है। तो इसमें भी जब आप लोग प्ले लेवल पे करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है,
जिसमें कि आप लोगों के पास गन रहती है और सामने बहुत सारे शिकारी कुछ प्लेयर्स नहीं रहते, कंप्यूटर रहता है जिससे कि आप लोगों को मारना रहता है, जो कि आप लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। एंड ये एक शूटिंग वाला बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है। एंड वैसे मैं इस गेम में थोड़ा नूब हूँ तो मैं तो नहीं बता पाऊँगा इसके आगे क्या होता है, लेकिन अभी जब से भी मैंने इसे खेलना शुरू किया तब से मुझे तो ये बस मस्त लग रहा है, लेकिन अभी मैं इस गेम में नूब हूँ। तो आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना गेम खेलने के बाद कि ये गेम कैसा लगा, तो मैं भी आगे इसे कंटिन्यू करूँगा। वैसे ये गेम मैंने अच्छा लाया एंड जो इसकी साइज़ है वो 53 MB है, ऐसे ही कुछ है। सो गाइज इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। सो गाइज आपको आज का ये टॉप फाइव ऑफलाइन गेम्स अंडर 100 MB कैसा लगा, आप लोगों की बोरियत दूर होगी कि नहीं इस गेम से, और आपके लिए ये सब गेम्स यूज़फुल है कि नहीं आपकी बोरियत दूर करने के लिए, और आप लोग इसे डाउनलोड करने वाले हो इन सब गेम को, तो वो सब नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड आई होप यू लव्ड ऑल दिस गेम, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more this types video and share this video with your all friends who are getting bored, so if they watch this video so they can also download all these games, and comment down below guys that you loved this video or not and you loved all these games or not. So I will see you guys in the next video. Till then, goodbye, take care, stay safe and thanks for watching.